गुड मॉर्निंग यूकेजी किड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन एट योर होम। बेटा आज हिंदी अपन पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सिंपल शब्द हमने पढ़े हैं, आ की मात्रा पढ़ ली है और अब आपके ई की मात्रा स्टार्ट हो गई है। तो आज मैं आपको सब कुछ एक बार रिविजन दे रही हूँ, ठीक है? स्टार्ट करें। क से कबूतर, क से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अखाली। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, अड़खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणा। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दबा, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, व से बतख, भ से भगत, म से मछली। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू या ल से लड्डू, व से वर्षा, श से शलजम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, ह से हाथी भी होता है, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल और ये है श्र। अभी तक आपने ये आप एलकेजी क्लास में सीख चुके थे, सीख कर देना। अब हम इसे सिंपल पहले शब्द बनाना सीखेंगे, वो हम आपको बाद में इस बोर्ड को मैं रख करके फिर बताती हूँ। आज हम आ की मात्रा सबसे पहले हम रिवीजन देते हैं, ठीक है? ध्यान से देखेंगे आप कि ये है हमारा क, ठीक है? क्या है क? क के आगे जब लाइन, आ की मात्रा क्या होती है बेटा? आ की मात्रा होती है इस तरह से लाइन, डंडा। ये जो लाइन होती है ये कहलाती है आ की मात्रा। क्या कहलाती है? आ की मात्रा। किसी भी अक्षर के आगे इस तरह एक लाइन होती है, ये कहलाती है आ की मात्रा। क के आगे जब एक लाइन आ जाती है तो बनता है का। क्या बनता है? का। ख के आगे लाइन आएगी तो खा। ख के आगे आ की मात्रा, लाइन नहीं बोलना है आपको, अपने को बोलना है आ की मात्रा। क के आगे आ की मात्रा है तो का, ख के आगे आ की मात्रा है तो खा। क्यों? क्योंकि देखो आ की मात्रा बोलो आ, आ है ना, आ की आवाज आ रही है ना, हमारे मुंह से हमारे गले से कैसी आवाज निकल रही? आ। तो हम क के साथ आ ऐड कर रहे हैं, का, खा, फिर घ के साथ गा, घ के साथ घा, ठीक है? अब ये देखो, च के साथ चा, छ के साथ छा, ज के साथ जा, झ के साथ जा, है ना, अड़खाली। त से के साथ आ की मात्रा हुई तो क्या बना? टा। क्या बनेगा? टा। ठ के साथ आ की मात्रा है तो ठा, ठीक है? ड के साथ आ की मात्रा है, ड से डमरू, तो डा। ढ के साथ आ की मात्रा है तो ढा, और ण के साथ में आ की मात्रा है तो ना, ठीक है? इसी तरह त के साथ में आ की मात्रा है, ये वाली लाइन जो है ये कहलाती है आ की मात्रा, तो ता। थ के साथ आ की मात्रा है तो था। द के साथ आ की मात्रा है तो दा। ध के साथ आ की मात्रा है तो धा। न के साथ आ की मात्रा है तो नाम। य के साथ, प के साथ आ की मात्रा है तो पा, पापा। कैसे लिखेंगे? पा और एक बार पा, पापा। अभी मैं लिखना सब बताऊंगी। फ के साथ आ की मात्रा है तो फा। ब के साथ आ की मात्रा है तो बा। भ के साथ आ की मात्रा है तो भा। म के साथ आ की मात्रा है तो मा। य के साथ आ की मात्रा है या। र के साथ रा। ल के साथ ला। व के साथ वा। श के साथ शा। यानी कि आपको सब में आ जोड़ना है, का, खा, गा, है ना, समझ में आया? श के साथ में शा, स के साथ सा, ह के साथ हा, क्ष के साथ क्षा, त्र के साथ त्रा। समझ में आया आपको? ये है हमारी आ की बात। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है? ये लिखना है, ऊपर लिखेंगे आ की मात्रा। कैसे लिखेंगे? ये आ की मात्रा। अभी देखो मात्रा कैसे हुआ, म के साथ आ की मात्रा लगी तो मा, त्र के साथ आ की लगी तो त्रा, मात्रा।
समझ में आया? ये आपको सबको कॉपी में लिखना है, क से ये पूरा लिखना है। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी के अंदर क्या करना है, ऊपर लिखना है आ की मात्रा और का खा। वापिस मेरे साथ बोलेंगे सब एक बार, का खा गा गा डा, चा छा जा जा रण खाली, ता था डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा, शा सा हा क्षा त्रा ग्या। ठीक है, हमारा क से लेकर ग तक ये कह रहा है कि बारखड़ी। बारखड़ी क का की कुकू होती है। अपन क्या लिख रहे हैं, अभी हमने आ की मात्रा से पूरा क से ग तक लिखा है। ठीक है, अब का की मात्रा आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, आ की मात्रा। अब हम आ की मात्रा से रिलेटेड कुछ शब्द बताती हूँ। ठीक है, अब हम आ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ रहे हैं। देखो आ की मात्रा, ठीक है, अ के साथ आल आ, ज के साथ भी आ की मात्रा, आ जा, चाक चाक, द के साथ आ की मात्रा है तो दा, फिर द के साथ आ की मात्रा है तो दा दादा, क के साथ आ की मात्रा है, क के साथ आ की मात्रा है दा काका, ब के साथ आ की मात्रा, फिर ब के साथ आ की मात्रा बाबा, क के साथ आ की मात्रा है कागज, र के साथ आ की मात्रा है रा म, ब के साथ आ की मात्रा है बा ल, ज के साथ आ की मात्रा है जानवर जानवर, त के साथ आ की मात्रा ता, ज के साथ आ की मात्रा है जा ता, त के साथ आ की मात्रा, ज के साथ आ की मात्रा ता जा, प के साथ आ की मात्रा पा न, च म चा भारत, भ के साथ आ की मात्रा है तो भा र त, बाजार मामा, म के साथ आ की मात्रा है, म के साथ आ की मात्रा है मामा। आया समझ में आपको, ये जो आपके आ की मात्रा के शब्द है। अब आपको क्या करना है, सभी बच्चों को ये देखो आपकी जो बुक है, ये देखो ध्यान से इस बुक को हम पढ़ेंगे। कमला आ खाना खा, अपना काम कर, शाल पहन बाजार जाकर, सामान ला। देखो जो आपकी रेड कलर की जो लाइन दिखा रखी है ये आपकी आ की मात्रा है। ठीक है, लाल लाल टमाटर ला, राधा अपना काम कर, माता का कहना मान, गमला उठा कर बाहर ला, माला खाना खा कर इलाहाबाद जा। ये आपको बार बार रीडिंग करने, दिन में कम से कम भी 5 बार आपको रीड करना है। ठीक है, नीचे आ जाओ। राजन इधर आ, भगवान का भजन कर, बाहर टहल कर आ, अचानक आकाश पर बादल छाए, काला काला बादल आया, छमा छम, जिसके ऊपर आ की मात्रा है उसी को साथ, उसी के साथ हमको आ लगाना है। ठीक है, छमा म क्या गया की लाइन है तो छमा छम, जल
बरसाया, राजन छाता लाया, छाता लाकर बाजार गया, बाजार जाकर लाल टमाटर व आम लाया, वापस आकर आम खाया, आम चबा चबा कर खाया। कितनी बार पढ़ोगे? 5 टाइम्स आप लोगों को इसको पढ़ना है। जितना पढ़ोगे उतना आपकी प्रैक्टिस आएगी। पीछे वाली एक्सरसाइज आप लोगों को खुद को करनी है। 3 अक्षर वाले शब्दों में आ की मात्रा लगाओ। जहाँ जगह छूटी हुई है वहां आपको आ की मात्रा लगानी है। ग के आगे लगाओगे तो गाजर, बाजार, बाहर, बहार, अनार, कपड़ा, आहार, वानर। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज अभी हम करवा देंगे। वैसे तो मैम करा चुकी होंगी, एक बार और करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।